आप सबको 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आए हुए हैं खेरिया मोड़ पे, आगरा में। यहाँ पे क्या है कि प्रतिदिन साल में 365 दिन ध्वजारोहण होता है, और आज 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। आज इस मौके पे हम यहाँ पे आए हुए हैं और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर प्रतिदिन कुछ इस तरीके से ध्वज को लाया जाता है अपने स्थान से, लाके जहाँ पे ध्वजारोहण होगा वहाँ पे क्या लाया जाता है, और साथ में कमांडो भी होते हैं जो कि मार्च करते हैं और फिर ध्वजारोहण करा जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे ध्वजारोहण होता है, और ध्वजारोहण होने से पहले अनाउंसमेंट किया जाता है कि ध्वजारोहण होने वाला है, और उसके उपरांत क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे रुक जाते हैं, वहीं थम जाते हैं। देखिए यहाँ की क्या खासियत है, यहाँ के आम जन जो ट्रैफिक होता है वो भी राष्ट्रगान के सम्मान के लिए 52 सेकंड के लिए खड़ा हो जाता है। आसपास के जितना भी ट्रैफिक है पूरा खड़ा हो जाएगा, जो भी लोग चल रहे होते हैं वो सब खड़े हो जाते हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह 10 बजे ध्वजारोहण होता है, कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखाई देता है पूरे चारों तरफ। आज यहाँ पे एक खास चीज और भी, यहाँ पे टोटल 370 एक लंबा राष्ट्रीय ध्वज निकाला गया जो कि स्कूली बच्चों ने निकाला, और इन्होंने ये शो किया कि हम जो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है हम उसका समर्थन करते हैं। अना रंजीत सिंह, महामंत्री अजीत नगर बाजार कमेटी। राष्ट्रीय ध्वज तो काफ़ी जगह फहराया जाता है, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, मगर हमारी जो एक आज से 2 साल पहले एक अनोखी पहल थी, हम जितने भी दुकानदार भाइयों ने एक प्रण लिया था सबसे पहले कि हम अपने अजीत नगर बाजार कमेटी को एक आदर्श कमेटी बनाएंगे। सबसे पहले हमने पॉलीथीन का जहाँ पे प्रयोग बंद किया, और उसी के संग में ये जगह काफ़ी गंदी होती थी, इस जगह को डेवलप करके प्लांटेशन करी, और 26 जनवरी 2018 से हमने प्रतिदिन अपने बीच में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चालू कर दिया। लोगों ने तो पहले बड़ी हंसी सी उड़ाई, लोगों ने कहा क्या बेवकूफ़ी है, ये क्या पागलपंती है, मगर आज उस पागलपंती को लोग बड़े उत्साह से देखते हैं, बड़े हमें प्यार से देखते हैं, बड़े गर्व से देखते हैं। और जब भी हम कहीं प्रोग्राम में इन्वाइट होते हैं तो हमारी अगर परिवार जाता है तो वहाँ पे ये लोग कहते हैं देखिए ये अजीत नगर वाले आज हमारे बीच में आए हैं, जो कि आगरा ही नहीं एक पूरे भारतवर्ष की ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसमें प्रतिदिन हमारे बीच में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। और हमें सबसे अलग इसलिए करती है क्योंकि हमारे बीच में एक नया मुख्य अतिथि होता है, वो मुख्य अतिथि एक आम नागरिक होता है, एक आम हिंदुस्तानी होता है। कई ऐसे मुख्य अतिथि हमारे बीच में आते हैं जो लोग रोना चालू कर देते हैं, उनके आंखों से आंसू नहीं थमते, उनका ये भी कहना होता है कभी हमने अपने ज़िंदगी में नहीं सोच रखा था, अपने सपनों में नहीं सोच रखा था हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। आप सबका, मीडिया का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे संग लगातार 2 वर्ष तक पूरा साथ दिया, और हमारी जो एक मुहिम है इस मुहिम को आपने जन जन तक पहुँचाया। आज हमें 3 वर्ष लग चुके हैं, आज से हमारा 3रा वर्ष चालू हो गया है। मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ। हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिएगा और उन्हें ये जानकारी दीजिएगा।
और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।